ये खुफिया रास्ते से हमें लेके जा रहा है। सो ह्यूज म्यूजियम भी बना हुआ है यहाँ पे। वो हड्डियाँ हैं जो बताना चाह रहे हैं कि ये यहाँ पे एनिमल्स को जो है ना यहाँ मारा गया था ग्लेडिएटर के दौर में। जी अब मैं पहुँच गया हूँ होटल टर्बेनी। ये है होटल टर्बेनी और यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, मेट्रो स्टेशन है और मेरा जो होटल है होटल इग्निया जी जो यहाँ से सिर्फ 5 से 6 मिनट के फासले पर है। अस्सलाम वालेकुम अगेन, मैं पहुंच गया हूं अल्हम्दुलिल्लाह अपने होटल में। जैसा कि मैं आपको अभी दिखाता हूं, ये होटल इगिया नाम है, इचिया नाम है, आई डोंट नो। ये बस इटालियंस जो है ना हर चीज जो है लटका के एक्सीलांते अरे क्या क्या नाम है। तो एनीवेज मैं यहाँ जल्दी पहुंच गया था, कहते हैं भाई कमरा नहीं मिल सकता आपको, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा अराउंड 12 बजे तक। मैंने बोला नो आई कैन नॉट, मेरे पास टाइम नहीं है। तो इन्हें बोला मुझे वॉशरूम दिया, मैंने वहाँ पे अपना फ्रेश किया, उसके बाद रेडी हो गया हूँ टूवर्ड्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन जहाँ मैं लेके जाने लगा हूँ आपको। जब आप देखेंगे तो बताएंगे। यहाँ से तकरीबन 12 मिनट का रास्ता है। मैंने कहा पैदल जाऊँगा और पैदल ही चीज़ें दिखाऊंगा आपको, मैं बस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जाना वहीं से पड़ेगा आपको रोमा टर्मिनी की तरफ से, कि वहाँ से रास्ता निकलता है। यहाँ 12 मिनट का रास्ता है, उसका नाम है कोलोसियम नाम है उसका। वी विल गो ओवर देयर, फिर मैं आपको वहाँ व्यू दिखाऊंगा, वहाँ का टूर करवाऊंगा। तो बी विद मी एंड एंजॉय योरसेल्फ। जबरदस्त है, पत्थर आंजी आंजे लगे हैं, सुरंग बनी है और इधर लेट्स सी निकलते हैं क्या नजर आता है। ये लो जी बस हम नजदीक पहुंच गए हैं कोलोसियम। व्हाट इज कोलोसियम? यार एचिलांतो, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आपको पता है ये रोमन कोलोसियम क्या है? क्या ये रोमन कोलोसियम जो है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस बिल्डिंग थी एवर बिल्ट, और ये 2000 साल रोमन एम्पायर की जो है ना डोमिनेटेड रहा है। और आपने कभी जिंदगी में सुना होगा, मूवी देखी होगी ग्लैडिएटर, तो ये ग्लैडिएटर की मूवी जो है ना वो बेसिकली इसमें मुनसर है, जहां पर जो है वो इस एरिना के अंदर जो है ना वो फाइटिंग करते थे ग्लैडिएटर्स। उफ, सम ऑफ द नो ग्रेट हाइट्स ऑफ फेमस सेलिब्रिटीज जो है ना वो यहाँ पर जो है ना इन्होंने यहाँ पे एरिना में लाइट किया हुआ है। और ये आर्किटेक्चर देखें आयशा, दिस इज कॉल्ड आर्किटेक्चर, ब्यूटीफुल। एवरीबडी मस्ट विजिट हियर द कोलोसियम, ब्यूटीफुल। इसका हम टूर लेते हैं, इसकी टिकट्स पता करता हूँ, फिर अंदर का विजिट भी करवाता हूँ। बट इट इज रियली अमेजिंग। ये वीडियो तो होनी चाहिए ना, जिसके अंदर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर और ये कमाल है, ब्यूटीफुल यार, कमाल है। ये खुफिया रास्ते से हमें लेके जा रहा है। ये मैंने टूर गाइड ले लिया है, मैंने उसे बोला भाई मैं इतने पैसे नहीं दूंगा, असल में 16
यूरो की है, टिकट है कोलोसियम के अंदर जाने के लिए, और वहां पे लाइन लगी हुई है, बहुत लंबी कतार है तकरीबन 2 घंटे की। तो मैंने कहा चलो टूर गाइड ही ले लेता, वो कहते आधे घंटे में टिकट भी दे दूंगा, और टूर गाइड जो है ना पहले मांग रहा था ये 30 यूरो, करते 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 उसको बोला मैं नहीं करूंगा, मैं कहीं और पर चले जाता हूँ, करते 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 फिर ये चला गया जनाब 15 यूरो, तो फिर मेरा मेरी डील हो गई। तो बाकी ये दूसरा ग्रुप भी जा रहा है, और दूसरा ग्रुप जो है ना वो उसने ना 25 यूरो दी हैं। एनीवेज कहते हैं तू कितों आया, मैं कहा पाकिस्तान का वहाँ, उन्होंने समझ नहीं आया मेरा मकसद से कट कराना करा लिया मैं, लाइन लगी हुई है और यहाँ भी पाकिस्तानी काम चलता है, ये देखे लंबी कतार लगी हुई है, तो उसने हमें ना सीधा यहाँ पे एंटर करवा दिया कि आप इधर खड़े हो जाओ। तो हमारी लाइन जो है ना वो 1.5-2 घंटे के बजाय आधे घंटे में कन्वर्ट हो गई है, और ये जो है ना ये टूर गाइड्स हैं, और वो हमारे टूर गाइड जो है ना इस हमारे पैनल को लेके जाएगा, जैसा कहते टूटी भी लगी हुई है, आई एम एक टूर। तो बताना ये चाह रहा हूँ कि और ये लेते हैं क्रेडिट कार्ड, याद रखिएगा यहाँ कैश नहीं चलेगा, यहाँ क्रेडिट कार्ड चलेगा, तो बी वेली प्रिपेयर्ड, अगर आप यहाँ पे आए तो क्रेडिट कार्ड जरूर रखना जरूरी है। पहुंच गया हूँ, मैंने उसको बोला है 24 आवर्स कोलोसियो फोरो रोमानो प्लांटिनो, ओके थैंक यू 16 यूरो। ये क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लिया उन्होंने मेरी, और मुझे अब टिकट देंगे, ये लो जी टिकट आ गई, थैंक यू। वो कह रही है कनच कह रही है कि उठे आ जाओ मेरे को, तो हमने ये टिकट ली है 24 आवर कोलोसियो फोर रोमानो प्लांटिनो, ये कहना जरूरी होता है। हो गए हैं ये ब्यूटीफुल, रोमन चाह ये रही है कि इस जगह से मतलब जो सेनेटर्स आते थे एम्परर्स जो है ना वो रोम के, और ये सेंटर लोकेशन थी जहाँ से वो एंटर होते थे यहाँ पे, इनको स्पेशल सीट्स यहाँ से, ये मेन एंट्रेंस थी इनकी। मार्बल्स है ना वो जितने भी पोप जो है वो ना आप चर्चेस में ले जा चुके हैं, अब ये सिर्फ ढांचा ही रह गया है जिसको ये प्रिजर्व कर रहे हैं। ये वो बाप है जो शुरू किया था, 2 बच्चों ने उसको कोलोसियम कंप्लीट किया था। या रोमन मेटल बार। This is the main reason of the horse. In this pillar you will look down and you will see a Roman metal bar. This is what in Middle Age were searching. ये शेड बना भी हुआ था, बेस बना हुआ था, काफी हद तक डिमोलिश हो चुका है। वो ग्राउंड सेक्शन कोलोसियम का जहाँ हमें लेके जा रहे हैं, बाकी आर्किटेक्चर भी है, हिस्ट्री भी है, और हेरिटेज को प्रिजर्व भी कर रहे हैं ये लोग। ये वो जगह है जहाँ से अंडरग्राउंड दिखाया जाता है। ये अंडरग्राउंड है, हम जो है फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं, तो इसका व्यू है फर्स्ट फ्लोर। ऊपर जाना है, चंद मार्बल्स रह गए यहाँ पर, बाकी तो जितने उठा के ले गए हैं पोप हजरात, लेकिन कुछ उन्होंने यह एग्जाम्पल्स छोड़ दी, कुछ पीसेस उन्होंने यहाँ पे शो किए। ठीक है,
चीज़ें, ये पिलर्स बता रहे हैं, ये कुछ ट्रेवर्टीन लगा हुआ है, लेकिन बाकी जगह ट्रेवर्टीन सब उतार दिया गया है। तो ये मतलब ये ब्रिक्स नहीं थे, बाकी ट्रेवर्टीन लगा हुआ था। ये भी एक मार्बल का पीस था, ये भी मार्बल का पीस बता रही है। म्यूजियम भी बना हुआ यहाँ पे, और कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं कि व्हाट वाज एक्चुअली कोलोसियम, व्हाट वाज बिहाइंड बिल्डिंग इट, रीजन क्या था रोमन एम्पायर को बनाने में, और उसको ग्लैडिएटर्स को लड़ाने में मकसद क्या था। ये सारी चीज़ों का इन्होंने म्यूजियम तक बनाया हुआ है। सर आइडिया देता हूँ मैं आपको, ये बता रहे हैं कि किस तरह ये इतने बड़े बड़े स्टोन्स, पत्थर, मार्बल्स ऊपर लेके जाया करते थे। ये था कॉन्सेप्ट जो ख़त्म हो गया। वो हड्डियां हैं जो बताना चाह रहे हैं कि ये यहाँ पे एनिमल्स को जो है ना यहाँ मारा गया था ग्लेडिएटर के दौर में, जब बंदों को ग्लेडिएटर से मुकाबला किया था, तो ये वो वाली हिस्ट्री दिखा रहे हैं। कुछ बोन्स हैं, ग्लेडिएटर्स का मुकाबला हो रहा है एनिमल्स के साथ। एंटर हो गया बेलकनी साइड पे, जहाँ ये स्पेक्टेटर्स बैठ के जो है ना ग्लेडिएटर्स को मुकाबला करते हुए देखते थे। बेलकनी लेके जा रहा हूँ मैं, तो बेलकनी का रास्ता है ये देख रहा हूँ। ये पहले ऐसे नहीं था, ये कवर होता था, यहाँ मुकाबले होते थे और वहाँ से वो एनिमल्स को एंटर करवाते थे। और हम नीचे आ गए, ये वो जगह है, वो वहाँ मुकाबले होते थे, वो वहाँ उस जगह, और नीचे से जो है ना जानवरों को बंद किया जाता था। तो बहुत सी जगह यहाँ पे कवर भी थी, जो ख़त्म कर देंगे दोबारा कवर कर देंगे। ये इज द एंड वीडियो ऑफ कोलोसियम एंड नाउ आई एम द एग्जिट पोजीशन राइट नाउ। तो सबको भाई आपने इन्जॉय कर लिया, यू लव इट, यू लाइक इट, मेरा रिव्यू ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फर्स्ट है जो पाकिस्तान से किसी ने जो है ना इतना थॉरो आपको सारा कुछ दिखाया है। बाकी बस ज़्यादातर यूरोपियंस आते हैं यूट्यूब में। यहाँ से मैं एग्जिट ले रहा हूँ इस तरह से, उसके बाद आई एम ऑफ। तो तकरीबन कोई 2.5 से 3 घंटे का मेरा
यहाँ का विजिट था। तो अल्लाह हाफिज, नाउ नेक्स्ट डेस्टिनेशन, बिकॉज अभी पार्टी तो शुरू हुई है, पार्टी भी खत्म नहीं हुई और आज का दिन अभी हमने पूरा यूटिलाइज करना है। जजाकल्लाह खैर।